हाउ टू एक्सपोर्ट टू क्यूबा फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से हम क्यूबा में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, कहां से इंपोर्ट कर रहा है, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके आए। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर यही देखें कि वर्ल्ड मैप में क्यूबा कहाँ दिखाई देता है, तो आप यहाँ इंडिया में हिंदुस्तान में हैं और क्यूबा में देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो क्यूबा पड़ता है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। ये देखिए, क्यूबा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में है, क्यूबा जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में पड़ता है। ये देखिए आपके पास में यहाँ पे न्यू जो क्यूबा है, जो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये क्यूबा है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगर मैं बात करूँ वो टॉप कंपिटिटर कंट्रीज़ कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पर आता है, वो टॉप 5 कंट्री की बात करेंगे, सबसे पहले पायदान पर आता है स्पेन, जो कि वो भी एक अमेरिकन कंट्री है। स्पेन भी एक अमेरिकन कंट्री है। स्पेन से कितना इंपोर्ट करा, देखिए स्पेन से 741 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, सेकंड नंबर पे सस्ता माल देने वाली कंट्री आती है, जो कि चाइना के नाम से आप इसको जानते हैं, तो चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा, क्यूबा चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा, 574 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है चाइना से क्यूबा। अगर मैं थर्ड नंबर की कंपटीटर की कंट्री की बात करूं कि थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो वो भी अमेरिकन कंट्री आती है, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उससे यूएसए से कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए से 309 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ, फोर्थ नंबर पर कौन आता है, तो फोर्थ नंबर पर आता है बेसिकली कैनाडा। कैनाडा भी एक अमेरिकन कंट्री है। कैनाडा से कितना इंपोर्ट कर रहा है, कैनाडा से 225 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा, जो कि एक अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं, तो फिफ्थ नंबर इटली आता है, जो कि इटली एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ईयू का मेंबर, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो वहां से ये 185 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, वो कौन कौन से इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है क्यूबा, उससे पहले बता, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिले सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको रिसर्च कराते हैं। हमारी 17 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में पूरा शेयर करते हैं, जो हमने गलती कर करके सिखाया वो आपको हम पूरा सिखाते हैं, और आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, यानी वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि क्यूबा ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, या फिर अलग अलग लैपटॉप हो गए, या फिर उसकी बॉडी होगी, या कैबिनेट हो गया, या फिर मॉनिटर हो गया, अलग अलग जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, वो टोटल 524 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 12% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा, यानी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री क्यूबा है, उसमें जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसका 12% वो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स ही इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर पे क्या प्रोडक्ट आता है, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर का अलग से हमारा वीडियो भी, वो अगर आपने देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, या इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वो इंपोर्ट कर रहा है 400 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 9.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 9.1% तो वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम ही इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर पे सीरियल्स आता है, यानी अनाज, गेहूं, चावल, मेंट, बाजरा, जो भी सीरियल से जो अनाज है वो टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है 358 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 8.2% तो वो सीरियल्स इंपोर्ट कर रहा है, यानी अनाज आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करें कि फोर्थ नंबर पे कौन सा
प्रोडक्ट आता है। सो फोर्थ नंबर पे मीट आता है जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश से मीट और लेदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। आप टारगेट कर सकते हैं क्यूबा को जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। सो बेसिकली वो 355 मिलियन डॉलर का पर ईयर इम्पोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.1% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इम्पोर्ट करता है उसका 8.1% वो मीट पर और मीट प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है सर, सो फिफ्थ नंबर पे आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए मैं बता दूं, गुजरात में मोर देन 5000 GST रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, जिसमें से 40-50% कंपनीज ऐसी जो कि एक्सपोर्ट करती है और कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि लोकल में काम करती है। अगर आप गुजरात से रहने वाले या गुजरात के पास से रहने वाले तो आप वहां से लेके प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट क्यूबा में टारगेट कर सकते हैं, क्यूबा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि क्यूबा कितना इंपोर्ट करता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट का, सो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट का क्यूबा इंपोर्ट कर रहा है 180 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 4.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 4.1% तो वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं सिक्स नंबर की बात करूं कि सिक्स नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, सो सिक्स नंबर पे देखिए आपके सामने यहाँ पे व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का आता है। छोटा यानी लाइट व्हीकल हो गया या हैवी व्हीकल हो गया, कोई भी हैवी व्हीकल या लाइट व्हील या उसके स्पेयर पार्ट्स, वो टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, क्यूबा कितना इंपोर्ट कर रहा है। क्यूबा 168 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 3.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 3.8% वो व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं सेवंथ नंबर की बात करूं कि सेवंथ नंबर पे कौन से प्रोडक्ट आते हैं सर, सेवंथ नंबर पे आता है डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दूध मिल्क वगैरह डेयरी प्रोडक्ट हो गए, या फिर एग हो गया या हनी हो गए, इस टाइप के जो खाने पीने के आइटम है वो 138 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर ले रहा है। दैट इज अराउंड 3.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 3.2% तो वो डेयरी प्रोडक्ट, एग या हनी, इस टाइप के प्रोडक्ट ही वो इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन है डेयरी प्रोडक्ट है आपका, या हनी प्रोडक्ट है, या एग से हनी एग या हैन के जो एग होते हैं मुर्गी के अंडे, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं क्यूबा को जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगर मैं बात करूं एट नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, एट नंबर पे केमिकल आता है जो कि हम गुजरात से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप गुजरात के रहने वाले या गुजरात के आसपास के रहने वाले तो केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल और केमिकल रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुजरात से एक्सपोर्ट होते हैं। क्यूबा की अगर बात करें, क्यूबा कितना इंपोर्ट कर रहा है, क्यूबा 131 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर ले रहा है। जो केमिकल प्रोडक्ट है दैट इज अराउंड 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3% तो वो केमिकल ही इंपोर्ट कर ले रहा है जो कि गुजरात से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आप टारगेट कर सकते हैं क्यूबा को जो कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं नाइन्थ नंबर की, नाइन्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, नाइन्थ नंबर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए भी मैं बता दूं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो ही ऐसे स्टेट हैं जहां पे मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स है, और यहां पे FDA आपके काम आएगा। कोई भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री या फिर साउथ अमेरिकन कंट्री, अगर किसी में आपको खाने पीने की चीज़ें या मेडिसिन आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास में FDA लाइसेंस होना चाहिए। FDA आपके पास में फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेंस आपके पास में रहेगा, सो ही आप जाके नॉर्थ अमेरिकन कंट्री या साउथ अमेरिकन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और FDA अप्रूव्ड हमारे पास मोर देन 5000 यूनिट्स है दोनों स्टेट मिला के। सो आप हिमाचल प्रदेश या गुजरात से रहने वाले और FDA अप्रूव्ड यूनिट से आप लेके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर सकते हैं क्यूबा में। तो क्यूबा कितना इंपोर्ट करा, क्यूबा 100 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा। क्यूबा जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 2.3% तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर टेंथ की बात करें, टेंथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट, आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील जो फिनिश गुड्स रहते हैं आयरन एंड स्टील के फाइनल फिनिश गुड्स, वो कितना इंपोर्ट कर ले रहा है, वो भी 100 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करता है क्यूबा। दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्यूबा।
क्यूबा जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 2.3% तो वो आयरन स्टील के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल रिसर्च की सो उसमें आता है इकोनॉमी सबसे पहले पायदान पे। सो इकोनॉमी भी अच्छी खासी है, 103 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है टोटल। अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन कितना है, 1.1 करोड़ का ही पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, ये 1.1 करोड़ का पॉपुलेशन है, 1.1 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर टोटल पर कैपिटा इनकम की बात करें कि पर कैपिटा इनकम कितना है, सो पर कैपिटा इनकम 8,882 US डॉलर का है, जो कि INR में अगर हम कैलकुलेट करें इंडियन रुपीज़ में 7.3 लाख का INR का 7.3 लाख रुपीज़ का पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, जो कि इंडिया का प्रति व्यक्ति आए लगभग 2,500 US डॉलर है, यानी 2 लाख रुपए पर ईयर टोटल। अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है, सो 3.66 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करता है क्यूबा, और इंपोर्ट करता है 3.06 बिलियन US डॉलर का टोटल इंपोर्ट करता है। लैंग्वेज स्पेनिश चलती है, स्पेनिश स्पेन के पास में तो स्पेनिश लैंग्वेज चलती है। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी क्यूबा पीसो चलती है, जो कि इक्वल टू होता है 3.44 इंडियन रुपीस INR। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि अमेरिकन कंट्री को टारगेट करना चाहता है, क्यूबा को टारगेट करना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके जो कमेंट रहते हैं बड़े चाव से दिल की गहराइयों से उसको रीड करते हैं, उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू।